हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम देखते हैं कुछ करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ें कि आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल न्यूज़ कुछ फ्रंट पेज में आई हुई है। जो चुनाव चल रहे हैं लोकसभा में, दिग्विजय सिंह ने एक व्यक्ति को मंच पर बुलाया, तो ये जो न्यूज़ है इसका हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। दूसरी एक और न्यूज़ है पॉलिटिकल, जिसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस न्यूज़ के बारे में कि भोपाल से एक कैंडिडेट हैं बीजेपी की जो लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एक बयान दिया था कि जो अयोध्या में विवादित ढांचा था उसको उन्होंने गिराया और इसके लिए निर्वाचन आयोग ने उनको नोटिस जारी किया। उस नोटिस में भी उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो जो उन्होंने कहा उसके लिए अभी भी अपनी बात पर अड़िग हैं। अब इस बात को लेकर के जो निर्वाचन अधिकारी हैं यानी भोपाल के जो कलेक्टर हैं, उन्होंने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कहा हुआ है। तो चूंकि ये अब लीगल मैटर है, मगर यहाँ हमें समझना ये है कि निर्वाचन आयोग को ये अधिकार होते हैं कि वो समझ सकता है कि जहाँ उसे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ा जा रहा है, कोई ऐसी बयानबाजी करता है जिससे सामाजिक सौहार्द या जो हमारा कम्युनल हारमोनी है उसको कोई चोट पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। और इसी ग्राउंड पर उन्होंने उनके खिलाफ ये FIR कराने के लिए बोला हुआ है। इसके बाद एक और दुखद न्यूज है, काफ़ी बड़ी न्यूज है कि श्रीलंका में हमला किया गया वहाँ पर कुछ होटलों पर, कुछ जो चर्च थे उन पर। ईस्टर के मौके पर, जो ईसाइयों का त्यौहार था, इस हमले में लगभग 300 लोग मारे जा चुके और कई सारे लोग घायल हुए। इसमें भारतीय भी हैं, 8 भारतीयों के मारे जाने की अभी तक पुष्टि की हुई है गवर्नमेंट ने। अब ये जो हमला है इसका थोड़ा बैकग्राउंड आप देखेंगे कि सरकार ने, श्रीलंका सरकार ने वहाँ पर आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। और जहाँ तक जो जांच प्राइमरी जो प्रूफ मिले हैं, वो एक मुस्लिम संगठन, नाम है उसका नेशनल तौहीद जमात NTJ, उस पर जाता है। उसमें कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और उसकी छानबीन की जा रही है। अब इसमें सबसे एक चिंताजनक बात भारत के लिए है कि चूंकि श्रीलंका, वहाँ का जो एक लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो काफ़ी लंबे समय तक LTTE, जिसे हम लिट्टे बोलते थे, उससे उनका संगठन चलता रहा, उनका संघर्ष चलता रहा। वह संघर्ष जैसे तैसे समाप्त हुआ। उस संघर्ष में हमने अपने देश के एक प्रधानमंत्री को भी खोया, राजीव गांधी, उसी संघर्ष की वजह से उनकी हत्या भी की गई थी। अब यहाँ जो श्रीलंका की स्थिति है, तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सिंगली है, उसके बाद कुछ तमिल हैं, मुस्लिम हैं। तो ये एक ऐसी घटना है जिसका प्रभाव, दूरगामी प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, खासकर भारत के जो दक्षिण भारत में राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो थोड़ा इसको आप फॉलोअप लें, क्योंकि यहाँ ईस्टर के मौके पर जो विदेशी आए थे, खासकर होटलों में रुके हुए थे, वहाँ पर, यहाँ डेनमार्क का कहा जाता है कि जो सबसे अमीर व्यक्ति था उसकी भी इस हमले में मौत हुई है। इसके बाद एक और न्यूज है तो पॉलिटिकल न्यूज़, लेकिन चूंकि ये चर्चा में थी कि चौकीदार चोर है, इस बयान पर लेकर दोनों ही प्रमुख पार्टियाँ, एक BJP और कांग्रेस के, एक दूसरे पर जो हमले किए गए। यहाँ पर राफेल विमान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया, लेकिन कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने ये कहना शुरू कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मान लिया है कि चौकीदार चोर है। तो इस बात को लेकर BJP की एक नेता, एक सांसद मीनाक्षी लेखी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना के आधार पर एक रिट फाइल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा और राहुल गांधी को इसका जवाब देने के लिए कहा। राहुल गांधी ने इस पर चौकीदार चोर है और उसके बाद सॉरी, खेद दर्शा दिया कि ऐसा उन्होंने आवेश में आकर के ये बात कही हुई है। चूंकि ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर बना, इसलिए उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। और माफ़ी मांगने के कारण अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं लिया है, लेकिन अब इसका पॉलिटिकल फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। BJP इसमें बढ़त लेने की अब कोशिश कर रही है। तो ये सारी बातें यहाँ चलती हैं। इसके बाद एक और न्यूज़ आप देखोगे, निर्वाचन आयोग इस समय हाईली एक्टिव हो चुका है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मायावती, आजम खां ऐसे कई सारे लोगों पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब इस प्रतिबंध के दायरे में आए हुए हैं। एक बड़बोले नेता कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने मंच पर बयान देते थे, पूर्व क्रिकेटर ठोको ताली नवजोत सिंह सिद्धू, इन पर 72 घंटे का किसी भी प्रकार की चुनावी प्रचार से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रमुख पेज पर खबरें थी। इसके अलावा एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस भी है एनडी तिवारी के बेटे का। उसकी पहले था कि सुसाइड किया है, बट अब जो सरकमस्टांस जो प्रूफ आए हैं उसमें सामने आ रहा है कि उनकी हत्या की गई और हत्या में उनकी पत्नी का ही हाथ माना जा रहा है। एनडी तिवारी के ये पुत्र हैं जो डीएनए की जांच के द्वारा पुत्र घोषित किए गए थे। इसके बाद फिर एक आप खबर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। चंडीगढ़ के कंज्यूमर फोरम ने एक फैसला सुनाया था कि मॉल में जब कोई सामान खरीदता है तो जो बैग लिया जाता है उस बैग का एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ अपील की थी तो कंज्यूमर कोर्ट ने उसे 9,000 रुपये कंपनसेशन प्लस 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने के लिए कहा था। तो उसी से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं फ्रंट पेज पर। इसके बाद आज के न्यूज़पेपर का आपको एडिटोरियल जरूर पढ़ना चाहिए। पहले तो हम चलते हैं इस वाले एडिटोरियल पर, जो न्यूज़पेपर का एडिटर होता है उसके द्वारा, ये करंट से जुड़ा हुआ ही होता है। यहाँ पर जो राहुल गांधी की बात है उसी को लेकर इसमें लिखा है। इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, संक्षेपण के रूप में इसको पढ़ो और इसका 1/3 शॉर्ट लिख के भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि सच झूठ की परवाह न करने का नतीजा यही होता है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके लिए उन्हें खेद जताना पड़ा। चौकीदार चोर है, अदालत की अवमानना थी, तो इस बात को लेकर एक मोरल उपदेश है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये राजनीति का ऐसा दौर है जहां नैतिकता अब मीनिंगफुल नहीं रही है। जिसको जो मौका मिलता है वो आरोप लगाता है, जैसे उसको आरोप लगाना चाहिए वैसे आरोप लगाता है। इस कॉलम में कोई ना कोई करंट से जुड़ा हुआ चीज़ें आती है। इसके बाद हम इस मेन एडिटोरियल पर चलते हैं। जी पार्थ सारथी के द्वारा लिखा गया है, इन्हें विदेश मामलों की अच्छी जानकारी है, दक्षिण एशिया के बारे में यानी जो श्रीलंका में हुआ उसको लेकर है। इसको आप ज़रूर पढ़ें। इसके मेन मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि 300 के आसपास लोग मारे गए, अनेक लोग इसमें घायल हुए। इससे न सिर्फ श्रीलंका बल्कि भारत इवन विश्व के कई सारे देशों में एक शोक की लहर दौड़ी हुई है। अब राष्ट्रपति जो वहाँ पर हैं मैत्रीपाला सिरिसेना, उन्होंने 3 सदस्यीय जांच आयोग बना दिया गया है, वो इसकी जांच करेगा व्यापक तौर पर। अभी तक जो पूरे तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि एक चरमपंथी एक मुस्लिम ग्रुप ने यहाँ पर ये फिदाइन हमला बोल सकते हैं, दूसरों को मारने के लिए हमला किया। ये सारी बातें आती हैं। इस हमले का दक्षिण एशिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको लेकर के ये एडिटोरियल है। भारत पर, चीन पर, पाकिस्तान पर, ये सब बातें इसमें आ जाती हैं। तो इन्होंने जो बातें की हैं उसमें आप मूल में जा सकते हो कि ये हमला जो किया गया, इस आतंकवादी हमले में लोग किस तरीके से अब काम करते हैं, ये हमला क्यों हुआ। तो यहाँ इसके पहले न्यूजीलैंड में भी क्राइस्टचर्च पर जुमे की नमाज के दौरान एक बंदूकधारी ने हमला किया था जिसमें 50 से अधिक मुस्लिम मारे गए थे। इस बार क्रिश्चियन वो लोग मारे गए उनको टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक ग्लोबल विलेज के रूप में, एक वैश्विक रूप से एक दूसरे से ये चीज़ें कनेक्टेड हो रही हैं कि आप हमारे धर्म पर करते हो तो हम आपके धर्म पर करेंगे। कुछ इसके पीछे भी, यानी इसको लेकर पूरी दुनिया में एक तनाव की स्थिति है, विशेषकर इस्लाम को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से इस्लाम के नाम पर विरोध और बढ़ता जा रहा है। सीरिया का संकट हो, यूरोपीय देशों में अन्य देशों से आने वाले जो शरणार्थी हैं, तो इससे लेकर के कई सारी समस्याएं आ रही हैं। यानी यूरोपीय देश अब इसके खिलाफ, पहले एक टॉलरेंस की पॉलिसी रहती थी मगर अब उग्र होकर जवाब देते हैं। इंडिविजुअल होकर के लोग कहीं गोलीबारी कर देते हैं और इससे एक अनावश्यक एक गलत मैसेज जाता है। इसी बात को लेकर के यहाँ पर डिटेल में बात की गई है। अब श्रीलंका के बारे में ये बात करते हैं। देखें आपके श्रीलंका में ज़्यादातर जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, मेजर पॉपुलेशन है। तुम्हें भी एक हो सकता है कि बहुसंख्यक हैं तो थोड़ा सा दबंगई भी उनकी रहेगी। यहाँ मुस्लिम आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि श्रीलंका में 10% मुस्लिम है और 12%
लगभग तमिल और जो ईसाई हैं उनकी संख्या 7%। यानी कि अगर हम इनमें से 10% जो मुस्लिम, 12% तमिल और 7% इनको जोड़ देते हैं तो ये लगभग 29% पॉपुलेशन होती है। तो अराउंड 71% जो पॉपुलेशन है वो सिंघली जाति को बिलोंग करती है। वो सब क्या है, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो ये जो हमला किया गया उसकी लेकर जांच की जा रही है कि कहीं इसके पीछे सोशल कॉज तो नहीं है, क्या इसके पीछे कुछ और चीज़ें तो नहीं है। तो अभी तक ये सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं। ठीक है, अब इसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। श्रीलंका में तमिल जो हैं, भारत के भी तमिलनाडु और यहाँ पर उनकी एक सॉफ्ट एक रहता है उनके मन में। तो इस सब की बातें, अब इस हमले में किस देश की भूमिका है, क्या पाकिस्तान ने इस मामले में दखल दिया, चूँकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता है आतंकवाद को बढ़ावा देने के नाम पर। अमेरिका में भी जब वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला हुआ था तो जो मुख्य हमला करने वाला व्यक्ति था ओसामा बिन लादेन, उसको पाकिस्तान ने अपने यहाँ शरण दी हुई थी और पूरी दुनिया को ये बेवकूफ़ बनाता रहा था। तो कहीं ये पाकिस्तान ISI इनके द्वारा मिलकर के तो नहीं किया जा रहा है। तो इस सब की जब तक जांच नहीं होगी, जांच होने के बाद कड़े एक्शन नहीं लिए जाएंगे, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये एक एडिटोरियल है, ये डिप्लोमेट रह चुके हैं, इसको आप पढ़ें। पढ़ने के बाद कुछ पॉइंट हैं इसमें नोट करने लायक, तो उनको आप नोट कर सकते हैं। आज की इकोनॉमिक सेक्टर की कुछ खबरें देख सकते हैं कि अभी अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, उनके द्वारा इन्होंने इस्तीफा दे दिया गया। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भारत में अगर एम्प्लॉयमेंट बड़े पैमाने पर रोजगार देना है तो उसको अपनी पॉलिसी को चीन की तरह अपनाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि आर्थिक सुधारों की ये जो अब इस समय चलने वाली प्रोसेस है वो अगले 5 साल के अंदर पूरी हो जाना चाहिए, अन्यथा भारत फिर से पिछड़ जाएगा। अब भारत को यानी सरकार को किधर ध्यान देना चाहिए, तो पनगड़िया जी सिफारिश करते हैं, उनकी सोच है कि श्रम आधारित यानी जहां लेबर ज़्यादा लगे उस सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिलें। तो वो कहते हैं कि मेरा निजी विचार है कि भारत को अगले 5 सालों में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहिए और रोजगार के लिए वो उन्होंने जो सेक्टर बताए वो सेक्टर, वो कहते हैं कि भारत को टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग में, जूता चप्पल उद्योग, फर्नीचर, रसोई से जुड़े हुए ऐसे सामान बनाए जाते हैं, इस सेक्टर में ज़्यादा ध्यान दें। इस सेक्टर में ध्यान देने पर हमें अधिक से अधिक लेबर की ज़रूरत पड़ेगी और हमारे यहाँ जब लेबर की डिमांड रहेगी तो बेरोजगारी का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो ये सारी बातें ये कहते हैं। अभी जो आंकड़े आए NSSO, ये बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है, फुल फॉर्म इसका होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल स्टैटिकल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन। इसने बताया है, अब इसके ऑफिशियल डाटा तो नहीं आए मगर जो कुछ भी लीकेज हुआ इसकी रिपोर्ट में, कि भारत में जो बेरोजगारी है वो अभी तक की सबसे ऊंची स्तर पर बनी हुई है। यानी 45 साल के आंकड़ों से कंपेयर किया तो बेरोजगारी इस समय सबसे बड़ी है। और दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव लड़ने वाली जो पार्टियां हैं इसको लेकर कोई मुद्दा नहीं बना रही हैं। पनगड़िया जी ने कहा है कि श्रम बल वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें अर्थव्यवस्था को सरल और आसान बनाने वाले श्रम कानून बनाना चाहिए। इसके लिए ये कहते हैं कि चीन का सेंजेन स्टाइल वाले जो कोस्टल एम्प्लॉयमेंट जेन की तरह रोजगार के इन्हें केंद्र बनाने पड़ेंगे। ठीक साथ ही साथ इन्होंने सिफारिश की हुई है कि बैंकों का निजीकरण, इस पर सरकार सोचे कि बैंकों के निजीकरण ऐसे ही नहीं किया जाना चाहिए कि प्राइवेट और विदेशी बैंक में भी जो NPA की समस्या है वो थोड़ी सी देखनी जानी चाहिए। तो चूंकि पनगड़िया जी का ये स्टेटमेंट जरूर पढ़ना चाहिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में ये एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप का काम कर रहे हैं, तो इनकी नीतियों पर सरकार भी ध्यान देती है और आप लोग इसको थोड़ा सा देखें। इसके बाद आज एक और न्यूज़ देखेंगे कि नीतिगत दरों में कटौती और की जा सकती है। नीतिगत दर यानी RBI के द्वारा जो रेपो रेट रहती है उसमें उसका डिक्लेरेशन होता है, उसे हम नीतिगत रेट दर कहते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2019-20 में अगले 6 माह में एक बार रेपो रेट फिर से 25 अंकों की इसमें कमी कर सकती है, ऐसा अनुमान है। जब होगा तब पता चलेगा, लेकिन अनुमान है, प्रिडिक्शन है। तो जब ये रेपो रेट कम होती है बैंक से मिलने वाले लोन सस्ते हो जाते हैं, उन पर लगने वाला ब्याज भी कम हो जाता है।
एक और खबर है, बहुत महत्वपूर्ण है आज की समय में, कि भारत ईरान से अब तेल नहीं खरीद सकेगा, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए रखे हैं। और ये जो प्रतिबंध थे, ये लगाए तो काफ़ी पहले से थे, लेकिन इस पर कुछ समय के लिए भारत को छूट मिली हुई थी। भारत के साथ साथ 8 देश थे जिन्हें 6 महीने का रिलैक्सेशन मिल गया था कि वो ईरान से तेल मंगा सकते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन था मई की शुरुआत में समाप्त हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इसको और एक्सटेंड करने की लिमिट नहीं दी है, क्योंकि अमेरिका के ये सेंक्शन है, ये यूएन के सेंक्शन नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका यहाँ पर सीधा सीधा ब्लैकमेल करता है कि जो भी देश ईरान से क्रूड ऑयल खरीदेगा, हम उसके साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा देंगे, क्योंकि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए उसके सेंक्शंस को लोगों को मानना पड़ता है। ठीक, इस साल हम जो ईरान से तेल खरीद रहे थे वो 3 लाख बैरल पर डे की तैयारी में था। अब भारत चूँकि पूरा 80% डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल दूसरे देशों से मंगाने के लिए, तो भारत को ईरान से क्रूड ऑयल लेना दूसरे देशों की तुलना में सस्ता पड़ता था। ईरान न सिर्फ हमें सस्ता तेल देता था, ईरान इस बात के लिए भी तैयार था कि वो हमसे रुपए में ही क्रूड ऑयल सप्लाई कर देगा, तो हमें दोहरा फ़ायदा हो रहा था। लेकिन चूँकि अब ये लिमिट ख़त्म हो जाएगी, तो भारत को अब इसके दूसरे ऑल्टरनेट जैसे सऊदी अरब, इराक, इनसे काम करना पड़ेगा। अमेरिका के इस स्टेप का भारत पर पेट्रोल, डीजल, इन सब पर बहुत असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड ऑयल उत्पादक देशों में ईरान बाहर हो जाएगा, तो जब ये जो सप्लाई साइड एक घटेगा, तो क्रूड ऑयल के जो इंटरनेशनल प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे। अब मंडे को $74.31 प्रति बैरल पहुंच गया था, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे देश में जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उस पर पड़ता है। इनके दामों में तेजी आएगी ही, और इस तेजी को हमारा शेयर बाजार, उसने रिफ्लेक्ट भी किया। कैसे रिफ्लेक्ट किया कि BSE का तेल जो ऑयल इंडेक्स था उसमें 3.2% की गिरावट आ गई, रियलिटी इंडेक्स में 2.6% की गिरावट आ गई, निफ्टी का IT इंडेक्स जो था वो सिर्फ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, उसको बढ़त मिली, बाकी सब डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो गया। कच्चे तेल की तेजी में जो सेंसेक्स है मुंबई का, वो लगभग 500 अंक की कमी आई। ठीक, तो ईरान जो है तेल का दूसरा सबसे बड़ा मतलब ईरान के तेल का हम पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट बायर थे। ठीक है, अब सऊदी अरब के बाद तेल हमें ईरान से मिलता था, इसके जो प्रतिबंध होंगे उसका हमें प्रभाव, बुरा प्रभाव देखना पड़ेगा। इससे हमारे देश में जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, तो उससे हमारी सारी चीज़ें महंगी होंगी, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो कुछ भी हो। इसके बाद एक और न्यूज़ आप देख सकते हो, चंद्रा ग्रुप, जी न्यूज वाला जो है SL ग्रुप, तो SL ग्रुप यानी चंद्रा ग्रुप पर अभी भारी भरकम कर्ज था, तो इस कर्ज को इन्हें चुकाना था। इसके लिए इन्होंने, अमेरिका की एक कंपनी है, उसको अपनी भागीदारी बेचने का डिसीजन लिया है, यानी 51% शेयर ये उसको बेच देंगे, जिससे ये अपने यहाँ का कर्ज चुकाएंगे। ₹134 पर शेयर के हिसाब से अमेरिकी कंपनी ब्लैकस्टोन को ये अपनी भागीदारी देंगे, तो ये भी थोड़ा सा देखा जा सकता है। इसके साथ एक और न्यूज़ जो पिछले 5-6 दिनों से हाईलाइट है, जेट एयरलाइंस को लेकर के, जो गोयल दंपत्ति, एक ऐसी एयरलाइंस जिसके पास 109 एयरक्राफ्ट थे, काफ़ी बड़ा हिस्सा था, वो बंद हो गई, वो घाटे में चली गई, उसके कर्मचारी बेरोजगार हो गए, तो कर्मचारियों के द्वारा लगातार इसको बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये बंद क्यों हुई, इसके बारे में भी बड़ा ही अलग अलग जो रूल्स रेगुलेशंस, अलग अलग मत चल रहे हैं। कुछ लोग इसमें जो जेट एयरलाइंस के मालिक थे गोयल दंपत्ति, उनके मैनेजमेंट को रेस्पॉन्सिबल बता रहे हैं, कुछ जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं उनको, चूँकि ये एयरलाइंस 109, चूँकि भारत में एक प्रीवियसली एक हिस्ट्री बन गई है कि सहारा एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइंस, उसके बाद जेट एयरलाइंस धीरे धीरे बंद हो रही है, इट मींस कि, और हमारा जो एयर इंडिया है वो तो काफ़ी भारी भरकम घाटे में जा ही रहा है। तो इसको लेकर के अभी जो उन लोगों ने बुकिंग करा रखी थी जेट एयरलाइंस में एडवांस बुकिंग, अब ये बंद होने से उनका पैसा फंस गया है, तो उनके पैसे को वापस करने को लेकर, प्लस जेट एयरलाइंस को फिर से चलाने को लेकर उनके कर्मचारी जो हैं वो सब संघर्ष कर रहे हैं। भारत सरकार को, DGCA को अपील कर रहे हैं कि इसको फिर से
उठाया जाए, और दूसरा जिससे इन्होंने कर्ज लिया था जिन बैंकों से, वो बैंक भी इनको रीस्टार्ट करने के लिए कोई श्योरिटी तो नहीं दे रहे हैं, बट उनका एफर्ट जारी है कि इसको शुरू किया जा सकता है। अगली राजनीतिक न्यूज़ आज जो देखेंगे कि लोकसभा के जो चुनाव हैं, चौथे चरण का मतदान जो होना है उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब नामांकन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद नाम वापसी का दौर होता है, उसके बाद फिर स्क्रूटनी होती है और फिर चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें मिलेंगी। मध्य प्रदेश से मैं जो ई टेंडर घोटाला, अभी कुछ दिन पहले याद होगा इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी मुख्यमंत्री के करीबी लोगों पर, तो उसी के फलस्वरूप ई टेंडर घोटाला जो कि बीजेपी सरकार के समय का है, तो वो उसमें एक आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ EOW के द्वारा FIR की गई थी। गिरफ्तार किए गए हैं लोग, वो जांच की जा रही है। अभी इसका कोई निष्कर्ष नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आज के स्पोर्ट पेज पर आप देखोगे, एक तो आईपीएल में जो अजिंक्य रहाणे, उन्होंने सेंचुरी बनाई, उसकी न्यूज़ है। तो चूंकि आईपीएल में इतने ज़्यादा मैच हो जाते हैं कि हर मैच की डिटेल आपको बिल्कुल नहीं, जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक इस पर ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आवश्यकता है तो इस न्यूज़ पर, गोमती ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। अब ये क्या, तो दोहा में भारत की गोमती मरीमुतु ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में 800 मीटर दौड़ में भारत को पहला स्थान दिलाया। और इसमें जो ये एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप है, दूसरे दिन भारत ने कुल 4 मेडल जीत लिए। इन्होंने 800 मीटर की जो रेस थी 2 मिनट और 2.70 सेकंड के समय अंतर में निकाल के पूरा की। इसके बाद यहीं शिवपाल ने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता, उन्होंने 86.23 मीटर भाला फेंका, जो उनका अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। ठीक, और अगर ये 83 मीटर क्वालिफाइंग मार्क को हासिल करके विश्व चैंपियनशिप के लिए भी ये एलिजिबल हो गए हैं, यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जा सकते हैं जो सितंबर अक्टूबर में होगी। इसके बाद जाबिर मदारी, पल्लियालेल और सरिता बेन गायकवाड़ ने भी पुरुषों और महिलाओं की 400 मीटर जो बाधा दौड़ थी उसमें ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक प्राप्त किए। अब आते हैं आईपीएल के फाइनल मैच पर। 12 मई को आईपीएल का फाइनल होगा, हैदराबाद में होगा। यहाँ पर जब ये फाइनल मैच होगा तो बस आप याद रख लेंगे कि हाँ, इसका आईपीएल कौन सा सेशन था, ये उस सेशन का फाइनल वहाँ होगा। जो भी टीम जीतेगी क्या होगा, वो सब बातें रहेंगी। ठीक, इसके बाद स्पोर्ट पेज पर आप देखेंगे कि जो और खबरें हैं वो ऐसी नहीं हैं कि जिनसे कोई क्वेश्चन आ सकते हैं या आने की संभावना है। फिर एक हिंदी न्यूज़पेपर में तो इसको लेकर बहुत कुछ नहीं आ रहा है। CJI के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए एक सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जो असिस्टेंट थी उसके द्वारा, और उसको देखकर आपने देखा होगा कि CJI ने एक बेंच, स्पेशल बेंच गठित की 3 लोगों की, जिसमें वो स्वयं भी थे, 2 अन्य जज और थे, और एक प्रकार से जो उन्होंने कहा उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित मामला है, ये शक्तिशाली लोग हैं तो इनके खिलाफ कुछ कहना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए तो मैं इस बारे में यहाँ कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। इसके बाद इंटरनेशनल एक खबर है कि ये यूक्रेन के राष्ट्रपति बने हुए हैं, ये पहले कॉमेडियन थे, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। अब ये राष्ट्रपति का चुनाव भारी बहुमत से जीत चुके हैं। चूंकि इन्हें पॉलिटिक्स का अनुभव नहीं था लेकिन टीवी शोज में इनकी पॉपुलरिटी थी, तो ये अब यहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसके बाद शिक्षा नीति को लेकर के बात हो रही है कि क्लास 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। ये ऐसे बदलाव चलते रहते हैं, कभी सेमेस्टर आता है, कभी एनुअल आता है, कभी ग्रेड सिस्टम लाते हैं, कभी मार्किंग सिस्टम लाते हैं। कोई ठोस रणनीति यहाँ पर कामयाब नहीं है कि बच्चों को फेल करें ना करें, उससे सब ऐसी बातें हैं। इसको लेकर सरकार के पास कोई भी स्पष्ट नीति नहीं।
चूंकि मुख्य परीक्षा में शिक्षा एक टॉपिक है, वहाँ पर आपको ये थोड़ा सा काम आ सकता है दो पॉइंट डालने के लिए, तो इसको आप देख सकते हैं। जब ये फाइनलाइज होगी तभी इस पर बात करें, ज़्यादा बेटर होगा। तो ये थी आज के न्यूज़पेपर की कुछ हाईलाइट। तो डे बाय डे कोशिश करेंगे कि आपको ये सब चीज़ें मिलें। करंट तैयार करने के लिए आप अपना एक खुद रजिस्टर मेंटेन करो, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट लोकल जो न्यूज़ हैं उनको अपने पेपर पेन पे लिखो, वही आपको आपको काम आएगी। थैंक यू।